एसी लग चुका है अपने यहाँ पे और भाई सो हाँ इतनी खतरनाक कूलिंग कर रहा है ना, और एसी तो थोड़ा गंदे पड़ गए इसका होने में, तो इग्नोर करना, सफाई साफ सफाई करेंगे। और भाई इसमें इतने सारे मोड है, इस एसी को हम 1.5 टन से 2 टन तक कर सकते हैं इस बटन से, विराट कोहली के बटन से। बस एसी पूरी रात ऑन रखना, ठीक है? आज छिपी जुगली भाग जाएगी सारी यार। हाँ झाड़ू पोछा मार लें, ठीक है? और आप खाना बनाओ, आप तो झाड़ू पोछा मार, मैं तब तक सोता हूँ। गाड़ी का ना बुरा हाल हो गया फिर से भाई। हमेशा जब किसी स्पेशल जगह पे गाड़ी लेके जानी होती है ना, गाड़ी पूरी गंदी पड़ी होती है। कल इतनी खतरनाक नहरी आई थी ना, तो उसकी वजह से गाड़ी फिर सारी गंदी हो गई। मैंने चमका के रखी थी पूरी, तो आज शाम को फिर साफ करनी पड़ेगी। चलो छोड़ो। हाँ तो भाई लोग, फिर से आपका स्वागत है मेरी इस एक और नई वीडियो में, और आई होप क्या एकदम बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, सुबह के दोपहर के बज चुके अभी 3। आज भाई हम वैसे इतनी लेट उठे ना, और अभी नहा धो के हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे। अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम, वहाँ पे थार देखने। तो अभी सिर्फ देखने जा रहे हैं, क्योंकि प्लान बन रहा है कि ले या ना ले। और थार में जा रहे हैं मम्मी, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता, अपने पापा आने वाले हैं घर थोड़े दिनों में, थोड़े दिन मतलब मेरे ख्याल से तो कल परसों तक पहुँच जाएंगे। निकल चुके पापा वहाँ से, कहाँ से? गाजियाबाद नहीं, गोरखपुर लग रही पापा की ड्यूटी अभी इलेक्शन की। तो हाँ, कल या परसों तक पापा पहुँच जाएंगे चंडीगढ़, ठीक है? शायद हमको लेने भी जाना पड़े पापा को जलंधर तक। हाँ तो देखो, आप पापा आ रहे हैं तो ये गाड़ी हमको शायद ना मिले, क्योंकि फिर पापा के पास रहती है गाड़ी, और अब हमें भी फिर मम्मी को भी मुश्किल होती है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सामान वगैरह भी लेके आना होता है शॉप वगैरह का। पर एक गाड़ी मतलब होनी चाहिए घर पे ना, एक और हमारे लिए भी। तो फिर इसलिए अभी हम प्लान कर रहे हैं थार देखने का। थार 4x4 नहीं, 4x2 देखेंगे, क्योंकि अपने को उसमें कौन सा कोई खतरनाक ऐसा ऑफरोडिंग वगैरह करनी है, अपने को सिर्फ अपने लोकल के लिए चाहिए, या थोड़ा बहुत चाहे घूमना फिरना भी हो तो हो जाए वो भी। तो बस इसलिए अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम में, ठीक है? और साथ में मैंने अभी वहाँ पे विनय भैया को भी बुलाया है, क्योंकि हमको इतनी नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या पूछना होता है और कैसा मतलब करना होता है सब। तो इसलिए विनय भैया को बुलाया है, तो वो सीधे वही महिंद्रा के शोरूम में पहुँच रहे, तब तक हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई लोग, अभी हम जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने थार की। पर भाई थार का ये है, 4x2 भी ले रहे हो इतनी महंगी, ओके क्या कहते हैं, पर भाई थार 4x2 भी अपने को इतनी महंगी पड़ रही है ना। अब जब नई नई आई थी तब तो इतनी सस्ती थी, और जहाँ तक मैंने अभी ऑनलाइन प्राइस वगैरह देखा ना यूट्यूब पे, इतनी सस्ती करते हैं ऑन रोड कुछ 12-13 लाख की पड़ रही थी, और अब तो भाई 15 लाख 15.5 लाख की पहुँच गई थार 4x2 ऑन रोड। टेस्ट राइड लेके देखे, थार चला के देखते कैसी लगती है। और भैया कैसे हो? बढ़िया। इतनी महंगी होगी ना थार हमें? 15 लाख की पड़ेगी ऑन रोड। मेरे को 15 लाख की 4x4 आ जाएगी, फिर 4x2 ही इतनी होगी। मैंने तो भाई आगे थार में तुमने ये हैंडल करनी है। हाँ तो भाई अभी हम आ गए थे घर वापस, और थार देखा है, और जितनी हमने सोची थी थार तो भाई उससे कई गुना ज्यादा महंगी हो चुकी है अब। तो देखो, हम गए थे थार 4x2 देखने, अब पेट्रोल पर उन्होंने सबसे पहली बात तो की आगे कि पेट्रोल में वो कहते हैं कि एक तो कि पेट्रोल में ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल नहीं आती। मैनुअल आपको मिलेगी डीजल में, और डीजल में और डीजल आपको पता है कि डीजल भाई डीजल कुछ पता नहीं कि कब बंद हो जाए, और या मतलब डीजल गाड़ी मेरे ख्याल से 10-11 साल चलती है, फिर डीजल ही फाइनल लगा रहा है, क्योंकि हमें लेनी तो मैनुअली थी। तो डीजल का हमने पूछा, तो डीजल का भाई कुल मिलाकर सारा
आरसी वगैरह सब मिला के इंश्योरेंस वो अपने को पड़ रही थी ऑन रोड 15.5 लाख की 4x2। फिर थोड़ा मेरे को लगा कि अब तो मुश्किल लग रहा है थार लेना। फिर भाई एक और गाड़ी हमने देखी भाई महिंद्रा 3XO, 3XO भी नई गाड़ी आई है और भाई वो गाड़ी इतनी सही, अंदर से उसका इंटीरियर इतना सही था ना। फिर उसका मैंने पूछा तो वो ऑन रोड पड़ रही है अपने को 12.5 लाख की और 3XO का हमने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उनसे क्योंकि प्लान तो अपना थार का ही था। तो भाई लोग मैं टाइम फोन दो यार कोई एक टाइम देखना मेरे को, टाइम हुआ है अभी रात के बज चुके अभी एक ठीक है। और अभी अभी पापा का फोन आया कि मेरे को लेने आ जाओ जलंधर, और जलंधर है अब अपने यहाँ घर से 3 घंटे का रास्ता, तो अभी हम निकलने लगे पापा को लेने। पापा जलंधर पहुँच चुके हैं पर हमको अभी अभी फोन आया तो अपने को तो पर 3 घंटे लग जाएंगे, मान लो अभी 3 या 4 मेगा 3 साढ़े 3 बजे पहुंचेंगे फिर पापा को वापस लेकर आना। तो वही मान लो अभी निकलेंगे हम तो सुबह हम घर आ जाएंगे वापस 7-8 बजे तक ठीक है। और डेजी अपने साथ नहीं जा रही, इसको हम घर छोड़ रहे हैं ठीक है काके को। पर हाँ फाइनली भाई इतने टाइम बाद, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद पापा घर आ रहे हैं वापस आज। हम तो भैया अभी सोने लगे थे, मैं तो मम्मी को ना कब से कह रहा था कि यार आना जल्दी सोने क्योंकि कल से जल्दी उठना है। हम सोने लगे थे तभी फिर पापा का फोन आ गया, डीजे को यहाँ छोड़ देने, इसको हमने पानी वगैरह खाना खुना सब भर भर के डाल दिए। तो भाई गाड़ी में ना बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, सिर्फ 19 किलोमीटर की रेंज रह गई थी और हम 2 पेट्रोल पंप पर गए, पहले 19 के फिर 20 के, दोनों पेट्रोल पंप बंद। फिर भाई यहाँ शुक्र है एक पेट्रोल मिल गया, मेरे को तो लग रहा है आज तो गए तो गाड़ी बंद होएगी पक्का, बस यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हम 3000 रुपये का। तो फिर गाइस फाइनली अब निकलते हैं बिना टेंशन के, अब लगाओ एसी। मैंने एसी बंद कर दिया, मेरे को यहाँ से अभी एसी को ना रोड खाली पड़ी है आज तो भाई ना, पहली बार ना एवरेज भी गाड़ी की इतनी सही आ रही है ना, 15 की एवरेज मिल रही है पहली बार। और जब से पापा गए ना तब से गाड़ी हम लोकल चला रहे, लोकल पता कितनी की एवरेज दे रही थी, 8 की 9 की 10 की बस। आज भाई एवरेज देख के इतना दिल खुश हो रहा है ना, क्या 15 की एवरेज दे रही गाड़ी आज, और मजा भी आ रहा है ना जाने में आपको। क्योंकि नींद यार, नींद तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रही नींद, 4 बजे ऐसे भी कल भी हम 3-4 बजे कुछ सोए थे, आज भी नींद आ रही थी। मैं मम्मी को कह रहा था कि जल्दी सोते पर सोई नहीं, पापा का फोन आ गया और निकल के पहला टोल। अब अपने को ये कंफर्म नहीं कि यहाँ पे फास्टैग चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से तो फास्टैग बंद हो चुके हैं। पेटीएम बंद हो चुके हैं ना, पेटीएम वाला फास्टैग, तो पता नहीं अब क्या आप कैश लेंगे तो कैश ठीक है, मेरे ख्याल से तो कैश भी नहीं लेते ये लोग। और भाई हाँ मेरे को तो लगा था पूरी रोड खाली होगी, आधी रात को भी इतनी भीड़ लगी हुई है देखना, और टाइम 2 बज गए, 2 बज चुके भाई और भीड़ अभी भी लगी इतनी। तो भाई उन्होंने अब ऐसे निकाल दिया हमें, वहाँ पर भी अपना वो चला नहीं फास्टैग चला नहीं। फिर हमने कहा यार जान तो अब क्या, ऊपर से लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, पीछे लोग हॉर्न मार रहे, फिर वहाँ से भी हम फ्री में निकल गए। अब एक टोल हो रहा है वहाँ, देखते अब क्या बनता है। तो ना भाई ना ऐसे कभी लॉन्ग टूर पे जाना ना तो लाइटें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी चीज़ तो पता लग गई मेरे को, तो मतलब लाइटें अच्छी खासी होनी चाहिए गाड़ी में। हमारी गाड़ी की लाइटें ना इतनी कुछ है नहीं खास, जबकि हमने चेंज भी करवाई है तो हमने 5-6 हज़ार कुछ तो करवाई, 5 हज़ार रुपये की चेंज है ना, हाँ तब भी कुछ है नहीं कुछ खास रोशनी इसकी अच्छी लाइट। तो और अभी जलंधर यहाँ से रह गया 1.5 घंटे का रास्ता, 84 किलोमीटर कुछ रह गया है। तो यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी 100 की स्पीड में चल रही गाड़ी देख लो, ज़्यादा मैं दौड़ा भी नहीं रहा हूँ, बड़ी ध्यान चलानी पड़ती है अंधेरे में, कौन जाएगी कोई ना उड़ते हुए, उड़ते रहा ना चल। तो बेचारे पापा वहाँ गर्मी में मर रहे हैं, कह रहे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ कह रहे मेरी हालत खराब हो रही है पापा भाई इतने दिनों से गर्मी में थे ना, तो पापा को बस ये है कि एसी मिल जाए बड़ा बड़ा, पापा नाले वैसे बस आ रही है ना, इसलिए बस बिना रुके हम चल रहे हैं, बस वैसे बस आ रही है उतो चंडीगढ़, लेकिन पापा नहीं आ रहे, तब भी हम पापा ने हमको बुलाया कि तुम आओ भाई गाड़ी लेके, पापा ने गड्डी ले आओ मैं इसी बैठना बस। तो भाई लोग देखो अभी बज रहे 3:17 ठीक है, और हम रुके हैं बंगा के बस स्टैंड पे। तो पापा भी कहते कि तो वहाँ से ना बस निकल रही थी जलंधर से, फिर पापा कहते कि ना आधे रास्ते में मैं भी आ जाता हूँ, जबकि हम तो भाई इतनी अच्छी स्पीड बना के आ रहे थे अच्छी खासी, हम एक आधे घंटे में आराम से जलंधर पहुँच जाते हैं अभी। फिर पापा कहते नहीं वहाँ से बस निकल रही तो मैं बस में आधे रास्ते आता हूँ, तुम भी आधे रास्ते यहाँ पर रुक जाओ। तो पापा पहुँच चुके फगवाड़ा है यहाँ से आधे घंटे का रास्ता, और आधे घंटे में पापा यहाँ पहुँच जाएंगे ठीक है। अभी हमने बस यहाँ पेट्रोल पंप है इधर, जो कि बंद पड़ा खुला तो है नहीं है, तो यहीं पर रोक लिया है, हम उधर से आए फिर गाड़ी घुमा के हम यहाँ पे खड़े हो गए अब। हो भाई जब से यहाँ पे वो आ रही है कभी किसी गाड़ी की रोशनी कभी किसी गाड़ी रोशनी, ऐसा लग रहा है कि आ गए अब। भाई पूरी बंगा पूरा खाली पड़े यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं है, बस ट्रक ही चल रहे हैं। हेलो सच का जनाब, भले बंगा का आपने फिर यहाँ ले आए इतनी आगे,
और तो बस एक ही बैग है ना, एक ही बैग था, एक उसकी गाड़ी। अच्छा डिग्गी पड़ा करो डिग्गी में। चलो आप फाइनली एसी मिल गया आपको। हम पहले पीछे से, वहाँ पे एक पीछे मोड़ था बस स्टैंड का, एक पीछे एक आगे मोड़ है बस स्टैंड का। मुझसे देखो पापा के, पापा ने मुझसे रख लिया देखो। चलो चलते भाई घर। तो भाई हम यहाँ रुके ढाबे पे चाय वगैरह पीने के लिए। अभी हल्की हल्की नींद आने लगी थी, पर यहाँ पे देख लो दिन भी हो चुका है इतने में, अभी 5 बज चुके हैं। और पापा वही आराम से गाड़ी में, वो देखो वो लगी अपनी गाड़ी और पापा सो रखे हैं। तो मैं कहा पहुँचने वाले हैं, कौन उठ गई है, कहाँ भी उठ गई है। तो मैं कहा पहुँचना थोड़ी देर चाय पी के फिर चलते हैं, अब यहाँ पे चाय पी के निकलते हैं फिर, ठीक है। पर यार जो मर्जी कहो, मज़ा बड़ा आया था ना, रात रात को निकले हैं ना, ऐसा लगे जैसे ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने। वैसे मैं सोने की आदत नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हुआ वही इंसान है, खाना पीना नहीं आता। हेलो, अच्छा अच्छा तो कछुआ कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, खरगोश खरगोश। हेलो आ जा लड्डू। देखते देखते भाई लोग यहाँ पे दिन भी हो गया, चाय वगैरह पी लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो बिस्किट बचा तो उठा ले वहाँ से, जल्दी पी रही मैं यार, इतना टाइम नहीं लगाया कर पीने पे।